नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। पानीपत के इसराना में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पानीपत रोहतक हाईवे पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है, इससे कार में आग लग गई। कार में सवार तीन लोग जिंदा जल गए हैं। बताया जा रहा है कि एक 8 साल के मासूम सहित दो अन्य लोग इस गाड़ी में सवार थे। सोनीपत की कार पानीपत से गोहाना की तरफ जा रही थी। इसराना अनाज मंडी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद अचानक कार में आग लग गई। कार में आग लगते ही इसराना अनाज मंडी और आसपास के लोग बुझाने के लिए दौड़े और लोगों में शोर मच गया, लेकिन कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल पाए। कोई कुछ समझ पाता तब तक आग ने कार को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। वहीं एएसपी पूजा वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी में तीन व्यक्ति सवार थे, अचानक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी जिससे तीनों व्यक्तियों की मौत हो गई है। गाड़ी पूर्ण तरह जलकर राख हो चुकी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। गाड़ी में तीन लोग बैठे थे और जो पूरी तरह से जल चुके थे उनको हमने निकाल के हमने सिविल हॉस्पिटल में भेजा है और गाड़ी को भी हमने अभी फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई है और उसको साइड में किया। अभी ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। फिलहाल लोगों का कहना है जो ट्रक चालक था जिससे टक्कर हुई थी वो मौके से फरार है। ट्रक को पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। जी, ट्रक हमारे पास है और जो ट्रक चालक है उसके बारे में अभी रिवील नहीं करना चाहूंगी। पुलिस प्रशासन द्वारा कितनी डेड बॉडी निकाली गई है, क्योंकि कुछ लोग ये तर्क दे रहे थे कि लगभग 4 से 5 लोग थे, वहीं अब तक 3 बॉडी नजर आई है। हमारे हिसाब से अब तक 3 ही है। और जो वाहन है वो कहाँ की है? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।